नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार MMS सेंटर से और एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है हमारा मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों, पहले तो सॉरी बोलना चाहता हूँ, कई दिनों से मैंने वो वीडियो नहीं बना क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, कई सारे काम हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। तो मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में आज बताने जा रहा हूँ जैसे कि थंबनेल आपने देख के समझ गया होगा। उस मेडिसिन का नाम है कारोबेज वेजिटेबल्स, दिख रही है आप, इसको शॉर्ट नेम में कारोबेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन दोस्तों बहुत ही होम्योपैथ की बहुत बड़ी मेडिसिन को मानी जाती है, मतलब जो इसके राज जानते हैं, जो इसको यूज करते हैं, जो इसके सही साइन एंड सिम्टम जानते हैं और सही तरीका और सही टाइम पे यूज करना जानते हैं, उनके लिए तो ये खैर बहुत ही बेनिफिशियल है। तो मैं आपको बता दूं कि कारोबेज का यूज साइन एंड सिम्टम क्या है। देखिए, पहली चीज़ ये तो जनरल लोग इसको गैस के लिए चलाते हैं, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ गैस का सिम्टम नहीं है। और दूसरी चीज़, ये सिर्फ गैस की जो प्रॉब्लम आप समझते हो कि बहुत ज़्यादा फार्ट होना वो गैस है या डकारे आना वो गैस है, ये सिर्फ गैस नहीं है, गैस के बहुत बड़ी सिम्टम है। अब जैसे मैं बहुत बड़ी सिम्टम की बात अगर करूँ तो बहुत बड़ी सिम्टम देखिए क्या होता है। पहली चीज़, एक ये कैसे इसके सिम्टम है ये सुन लीजिए। अगर आप जैसे सुबह उठते हो कारोबेज, सुबह उठने से अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप फ्रेश नहीं हो, मतलब कि सुबह में इस पेशेंट का रोगी जो होता है उसके सुबह उठने से पहले हार्ट बीट, जो दिल की धड़कन है वो तेज़ रहती है। अगर ज़्यादा धड़क तो आपको ऐसा लगता हो कि नहीं, मेरा दिल ज़्यादा धड़क रहा है, कंपन सा आपको शरीर में हो रहा है, तो इस तरह का सिम्टम है तो आप कारोबेज ले सकते हैं। दूसरा सिम्टम, किसी भी तरह का गैस आपको फील हो रहा है और गैस की वजह से सर भारी हो जाना, सर जैसे चक्राना, सर में सिम्टम ये होता है कि सर भारी हो जाना, कोई बोले तो कुछ अच्छा ना लगना, चिड़चिड़ापन एक तरह का आदमी के अंदर सिम्टम हो जाता है, अगर इस तरह की समस्या है तो आप कारोबेज ले सकते हैं। मैं इसकी बात करूँगा, कारोबेज जब भी लीजिएगा 200 पोटेंसी में। कारोबेज ऐसे ही बनता है, एक स्पेशल कोयला होता है लकड़ी, जिसको जलाने के बाद एक कोयला बन जाता है, उसी कोयले से इसकी विचूर्ण तैयार करके डायलूट को किया जाता है, डायलूट करने के बाद ये पोटेंसी तैयार होती है। तो याद रखिएगा 200 पोटेंसी में यूज करें, 30 और 1 ml वगैरह बहुत रेयर काम होता है और काम भी कम करता है। 200 पोटेंसी मैं यूज करता हूँ, बहुत अच्छा और अच्छी क्वालिटी की, जर्मन की हो, SBL की हो, इस और या फिर बैक्सन की हो, जैसा कि मैं यूज करता हूँ, ये 3 कंपनी है, इसकी आप यूज करें तो बहुत अच्छा कर। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ में इसमें आता हूँ कि सॉरी, इसका जो मेन सिम्टम ये जो ये वाला है, देखिए अगर रोगी इस तरह का डरा हुआ रोगी जो बीमारी से इतना डर जाता है कि कहता है कि बस अब उसको जुकाम भी हो जाएगा तो कहेगा अब हम नहीं बचेंगे, अब हम मर जाएंगे, इस तरह का अगर उसके दिमाग में मेंटलिटी है, अगर इस तरह का जुबान से भी बोलता है तो वो ये दवा दीजिए, मतलब बीमारी से इतना डर कि बस जुकाम भी हो जाए तो कहेगा अब हम नहीं बचेंगे, इस तरह का अगर व्यक्ति बोलता हो तो आप कारोबेज दीजिए। ओवरऑल कहा जाए तो कारोबेज एक ऐसी दवा है, इसका कहा जाता है कि अगर जो कोई व्यक्ति मर गया है तो ऐसा, मतलब कि मरना जैसे कोई जैसे होता है आदमी की कोई सिम्टम ही ना पता लगे, बेहोश हो जाए, हार्ट अटैक हो जाता है, उस तरह के सिम्टम में भी ये काम करता है बहुत ज़्यादा, कि एकदम से मरा हुआ, मतलब वो मरा हुआ नहीं रहता है, एक तरह से अनकॉन्शियस पूरी तरह से हो जाता है। अगर इस तरह का सिम्टम एकदम चलते फिरते गिर गया, भाई कुछ पता नहीं चल रही है, बंदा कोई भी व्यक्ति कोई भी कहता है अभी रोड पर चल रहा था कैसे गिर गया, मर गया क्या, अगर इस तरह का सिम्टम दिख रहा है तो तुरंत इसको अगर आप 5 बूंद दे देंगे वो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, एकदम सिम्टम मैंने देखा है करके मेरे अपने क्लिनिक में। तो ये सिम्टम इसका सबसे मेन है, ये भी आप रेयर है लेकिन इसको आप यूज करेंगे तब आपको, मतलब ऐसे सिम्टम बहुत कम देखने को मिलेंगे लेकिन आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। और चौथी में चले जाएं तो इसका पेट जो होता है ना कारोबेज का, वे रोगी का पेट सही नहीं रहता है, ओवरऑल कहें तो पेट उसका सही नहीं रहता है, लैटरिन कभी उसको ज़्यादा होती है, कभी कम होता है, कभी पतली होती है, उसे खुद नहीं समझ में आता है आखिर मेरा पेट कैसा हो रहा है, और लैटरिन का कलर भी जो है तो हल्का बहुत ज़्यादा डार्क, मतलब कि पीला हो जाता है, कभी कभी बहुत ब्राउनिस्ट हो जाता है, मतलब बहुत भूरा टाइप का हो जाता है, इस तरह का सिम्टम भी अगर मिल रहा है तो आप कारोबेज 200 पोटेंसी याद रखिएगा लेना है। आगे चलते हैं इसमें थोड़ा सा, और इसके रोगी को थोड़ा सा बहरापन का भी शिकायत रहता है, अगर आपको लगता है कि हाँ कोई रोगी के ये सब सिम्टम मिल रहे हैं और वो ऊंचा सुनता है, मतलब कि अगर आप बोलो थोड़ा ऊंचा तो या ध्यान कहीं और उसका रहता है, इस तरह का सिम्टम अगर समझ में आ रहा है, घर में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा काम किसी और में थोड़ा ऊंचा सुनते हैं,
तो वो कार्बोवेज का सिम्टम, वो बहरा नहीं होता है लेकिन उसकी क्या होता है ना, थोड़ा गैस की वजह से जो नर्वस सिस्टम वो वीक हो जाते हैं, तो सेंसेशन कम बन पाता है, उसका ध्यान कहीं और होता है, मतलब कहने का मतलब फोकस कहीं और रहता है उसका, इस वजह से वो सुन नहीं पाता, वो बहरा नहीं होता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऊँचा सुने, 4-5 बार बोलने से सुने, अगर इस तरह का सिम्टम समझ में आता है तो कार्बोवेज जो है 200 पटेंसी में आप इसको दीजिए। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी कार्बोवेज की सिम्टम समझ में, इसको तो मैं यही कहूँगा कि इसको घर में ला के रखें आप, सबको 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दें, ये जितनी समस्याएं हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पेट भी सही रहेगा, गैस भी नहीं बनेगी और बहुत सारी समस्याओं को केयर करता है, नर्वस सिस्टम की भी बहुत अच्छी दवा है, वीकनेस को ख़त्म करता है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, शेयर करके भी फ्रेंड और फैमिली को बताएं कि ये इतनी अच्छी मेडिसिन है, इसके बारे में कोई समस्या हो, कोई शिकायत हो, कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स नीचे है वहाँ पे आप टाइप करें और बताएं कि आपको क्या चाहिए, क्या जवाब चाहिए, आपको कोई सवाल है तो आप सवाल भी वहाँ कर सकते हैं, उसका मैं वीडियो बना के आपको जवाब दे दूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।